Hello friends, good morning to all of you. So today I'm going to solve one exercise on kinematics, mainly on the projectile motion. So let's start with the question first there. So a particle has initial velocity given to us. It is like 3i cap plus 4j and साथ में इसका acceleration हमें दे के रखा है. It is like 0.4i cap plus 0.3j cap. So what is the speed, but basically it is what is the velocity after 10 seconds. So we use the relation v is equal to u plus at. So like here मैंने लिखा है v, so we take v, this is as u, initial velocity. So यहाँ से हम final velocity find out कर लेंगे. 3i plus 4j cap plus acceleration is 0.4i plus 0.3j multiplied by 10 there. So इसे हम सॉल्व करेंगे. इट इज लाइक 3i plus 4j plus 4i plus 3j. सो इट इज 7i cap plus 7j cap. तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है आफ्टर 10 सेकेंड्स देयर. 7i plus 7j, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड दैट इज बेसिकली 7 रूट 2. सो 7 रूट 2 यूनिट्स इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट प्रॉब्लम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल रीच द ग्राउंड अर्लियर. तो एक स्टोन को आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी सर्टेन हाइट से और एक स्टोन को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली. सो पूछा जा रहा है कि दोनों स्टोन जो ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो कौन पहले पहुंचेगा. तो बेसिकली दोनों स्टोन बिल्कुल साथ में ग्राउंड पे पहुंचेंगे. साइमल्टेनियसली इज द आंसर फॉर दिस सेकंड प्रॉब्लम, बिकॉज इन दोनों को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दोनों का वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से दोनों ग्राउंड में बिल्कुल साथ में पहुंचेंगे. तो साइमल्टेनियसली इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. लेट्स कम टू द थर्ड प्रॉब्लम देयर. सो पाथ ऑफ द बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट अ सर्टेन हाइट एज ऑब्जर्व्ड बाय द पायलट इज. सो एक बॉम्ब को रिलीज किया गया है एरोप्लेन से एंड दैट एरोप्लेन इज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो पायलट को जो उस बॉम्ब का पाथ ऑब्जर्व होगा वो किस तरह का होगा. एज एरोप्लेन इज ऑल्सो गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देयर, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट बॉम्ब इज कॉन्स्टेंट लाइक व्हेन इट इज बीइंग ड्रॉप्ड. एंड जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है दैट ऑल्सो हैज अ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉम्पोनेंट, मीन्स द कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो उस ऑब्जर्वर को वो जो ड्रॉप किया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व होगा बिकॉज दैट ऑब्जर्वर इज ऑल्सो विद सम यूनिफॉर्म velocity there. So it is a straight line there. So इसका answer हो जाएगा question 3 का answer हो जाएगा एक straight line. Let's come to the question 4 there. A ball is projected horizontally with a velocity of 5 meter per second from the top of a building 19.6 meter high. How long will the ball take to hit the ground? So यहाँ पर हमसे basically time पूछा जा रहा है. एक ball को आपने project किया है horizontally. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. सो टाइम पूछा जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एंड दैट इज रूट 2h अपॉन g. सो वी पुट द वैल्यूज. 2h की वैल्यू है यहाँ पर 19.6 हाइट एंड g इज़ अवर 9.8. तो यहाँ से इसे कट करेंगे. सो इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली और कम्प्लीटली इट इज़ 2 देयर. सो 2 2 ज़ 4. So it is root 4. Time is coming like root 4. So t is equal to 2 second is the answer for this problem. So this is option B there. So let's start now question number 5 there. The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. So एक angular projectile की बात की जा रही है. तो maximum height पे जो speed present होती है वो only horizontal component होती है, vertical component 0 होता है. तो टॉप पे और कंपोनेंट प्रेजेंट इज बेसिकली यू कॉस थीटा. लेट सपोज हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. सो आई इक्वेट इट विद यू बाय टू. सो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है यू अपॉन टू, सॉरी वन अपॉन टू, बिकॉज यू से यू कैंसिल हो गया है.
सो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है 60 डिग्री। हमसे वो एंगल पूछा जा रहा था लाइक व्हाट इज द एंगल सच दैट यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बाय टू। दिस इज द वेलोसिटी दैट इज प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ एंगुलर प्रोजेक्टर, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, देयर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का पता करना है जिसपे मैक्सिमम हाइट और हमारे पास जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम होते हैं। सो वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर रेंज इज लाइक यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी एंड इट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों सेम होंगे किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे जिसका हमें पता करना है। सो जी से जी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर, सो वी आर लेफ्ट विद साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा एंड इट इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 to the 4, सो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। सो दिस इज ऑप्शन सी देयर। सो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। हमने क्वेश्चन में दी गई गिवन कंडीशंस को इक्वेट किया है एंड वी यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देयर एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग दैट वी गेट अवर आंसर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सॉल्व दैट प्रॉब्लम 7 देयर। बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रीचेस द अदर इन 2 सेकेंड्स देयर। सो यहाँ पर हमें बेसिकली टाइम दे के रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द एंगुलर प्रोजेक्टाइल एंड दैट टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। और ये दे के रखा है हमारे पास 2 सेकेंड्स के बराबर। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमसे पूछा जा रहा है, मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा जा रहा है। सो हम यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक 2 से 2 हम कैंसिल कर लेंगे, सो वी गेट यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी और जी को क्वेश्चन में 10 लेने को कहा गया है, सो वी टेक इट एज 10, दिस इज अवर इक्वेशन 1। और अब हमसे इस प्रॉब्लम में जो पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मैक्सिमम हाइट। सो एच मैक्स हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड देयर। सो इट्स एक्सप्रेशन इज यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। सो हमारे पास इक्वेशन 1 में है यू साइन थीटा इक्वल टू 10, सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा हमारे पास 100। हम इक्वेशन 1 का स्क्वेयरिंग करेंगे और एच मैक्स के फॉर्मूला में सब शूट कर लेंगे, ये चीज़ हमें मिल जाएगी इक्वेशन 1 से, दैट इज 100। सो 2 multiplied by g को 10 ले लेंगे, सो इट इज़ लाइक 5। सो एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5। सो 5 meter इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर 7। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 8 को। सो प्रॉब्लम 8 में हमें बेसिकली रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्रीज एंड एक है 60 डिग्री। एक बॉडी को हम 2 बॉडीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड बट हम सेम वेलोसिटी के साथ उनको जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल्स हैं उनके 45 60, लेकिन वेलोसिटी प्रोजेक्शन सेम है, हमें उनके रेंज का रेशियो निकालना है। सो रेंज का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पहला एंगल हमें देके रखा है 45, सो थीटा को जब हम 45 सबशूट करेंगे सो 2 थीटा से 2 से मल्टीप्लाई करने पे इट इज़ लाइक 90। 2 into 45 इज 19, साइन 90 इज 1। सो हमारे पास फर्स्ट 45 डिग्री के लिए रेंज का फॉर्मूला जाएगा यू स्क्वेयर बाय जी। सेकेंड एंगल है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो वी पुट यू स्क्वेयर साइन 2 into 60 डिग्रीज एंड हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा। साइन 2 into 60 इज बेसिकली 120 एंड साइन 120 इज अंडर रूट 3/2। तो सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है यू स्क्वेयर बाय जी इंटू रूट 3/2 एज साइन 120 इज रूट 3/2। और हमसे इनकी रेशियो पूछी जा रही है, सो हम 1:2 की रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 1/2। सो यहाँ से यू स्क्वेयर बाय जी कैंसिल हो जाएगा, सो वी गेट अवर आंसर एज 2:3। एज क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं गया है कि किसकी रेशो हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमने जिस रिस्पेक्टिव ऑर्डर में दिया है 45 एंड 60
उसी रिस्पेक्टिव ऑर्डर में रेशियो फाइंड आउट हमने कर लिया है एंड दैट इज 2:3 आंसर. सो दैट इज ऑप्शन डी देयर. नाउ कम टू द क्वेश्चन 9 देयर. अ फ्लाइंग व्हील इज मेकिंग 300 आरपीएम. बेसिकली आरपीएम मींस रेवोल्यूशंस पर मिनट. सो 300 आरपीएम हमारे पास दे के रखा है. 300 आरपीएम फॉर दैट नाइन्थ क्वेश्चन. सो वी फर्स्ट कन्वर्ट इन टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सो इट इज लाइक 300/60. सो वी हैव 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. देन हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड. सो 1 रेवोल्यूशन इज ऑफ 2π रेडियंस एंड देर आर 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 1 रेवोल्यूशन ऑफ 2π. सो देर आर 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सो 5 × 2π एज 10π रेडियन पर सेकेंड. सो 10π इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी. 10π इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द प्रॉब्लम 10 देयर. प्रॉब्लम 10 की तरफ चलते हैं. प्रॉब्लम 10 में हमारे पास एक बॉडी है दैट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर्स एंड वो गिवन दे के रखा है. एसेलेशन ऑफ द बॉडी हमसे पूछा जा रहा है. सो हियर वी यूज द रिलेशन एज एसेलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर सेंटीमीटर एसेलेशन. एंड हमारे पास टाइम पीरियड भी दे के रखा है. टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दे के रखा है. एज वी नो दैट टाइम पीरियड इज 2π अपॉन ओमेगा. एंड स्टूडेंट्स ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है और टाइम पीरियड हमें गिवन दे के रखा है 2 सेकेंड्स. सो फ्रॉम हेयर वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू पाई. ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाती है टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से. एज टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा दैट इज 2. सो ओमेगा इज इक्वल टू पाई देयर. सो वी नाउ वी गेट एसेलेशन. सो एसेलेशन इज ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा इज पाई. सो इट इज पाई स्क्वायर एंड आर हमें गिवन है 100. सो इट इज 100π² एसेलेशन इज 100π² सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमने 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही लिया है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एक और ऑप्शन है यहाँ पर 100π बट वी हैव 100π². सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 10th क्वेश्चन. सो दीज आर द 10 क्वेश्चन रिलेटेड टू द काइनेमेटिक्स और रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो आई जस्ट होप आपको ये प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हुए होंगे. विद दैट थैंक यू वेरी मच.